पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के ग्रोथ में एक और मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। सीएम मान के नेतृत्व में आप सरकार ने अपने कार्यकाल के करीब 1.5 साल में नौजवानों को 36,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देकर रिकॉर्ड कायम किया है। सिर्फ सितंबर महीने की ही बात करें तो राज्य सरकार इस महीने में अब तक 1500 से ज्यादा सरकारी नौकरियों की सौगात दे चुकी है। कैसे पुरानी गलतियों को सुधार कर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में सीएम भगवंत मान का मिशन रोजगार। युवाओं को रोजगार देने में पंजाब बना नंबर 1। सितंबर महीने में दी 1519 नौकरियों की सौगात। छत्तीस नौकरियां देकर सीएम मान ने बनाया रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का मिशन रोजगार पंजाब में रफ्तार पकड़ चुका है। हर गुजरते दिन के साथ पंजाब में सीएम भगवंत सिंह मान का यह मिशन नए नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। अभी बीते शनिवार को ही सीएम मान ने जालंधर में 560 सब इंस्पेक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंपा था और 560 एसआई की भर्ती को अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे कि सीएम मान ने एक बार फिर बीते मंगलवार को चंडीगढ़ में अलग अलग सरकारी विभागों के 249 उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंप दिए। सब तो बाद जिन्ना लई खुशी का दिहाड़ा है आज उन्हां 560 सब इंस्पेक्टर ते उन्हां दे परिवार ते उन्हां दे मामा भैणा रिश्तेदार यार दोस्त उन्हां नूं मैं सब तो वध वधाई दिंदा कि अज तुहाडे लई एक ऐसा दिन है कि जदों तुसीं पंजाब सरकार दे परिवार नूं ज्वाइन कर रहे हो। सारयां नूं मेरी सति श्री अकाल, नमस्कार। चंडीगढ़ में आयोजित इस खास कार्यक्रम में नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद सीएम ने कहा कि आज का दिन पंजाब के लिए बेहद खास है क्योंकि पंजाब सरकार ने 36,000 नौकरियां देने का आंकड़ा पार कर लिया है। सीएम मान ने लोगों से जानकारी साझा करते हुए कहा कि मंगलवार को दी गई नियुक्तियों को मिलाकर पंजाब में उनकी सरकार अब तक कुल 36,097 नौकरियां दे चुकी है। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला अभी पंजाब में जारी रहने वाला है क्योंकि सरकार की प्राथमिकता राज्य के हर नौजवान को रोजगार देने की है। सीएम भगवंत सिंह मान ने राज्य के नौजवानों की उपलब्धियां गिनाते हुए ये भी कहा कि उन्होंने एक साल के दरमियान ऐसे कई लड़के लड़कियों को देखा जिन्हें 3-3 बार सरकारी नौकरियां दी गई क्योंकि उन लोगों ने पहले क्लर्क की परीक्षा पास की, फिर हेड क्लर्क की और अब काबिलियत के दम पर उन्होंने एसडीओ की परीक्षा पास करके नौकरी हासिल की है। आज 560 आने वाले दिनों च 1700 तो ऊपर कांस्टेबलों की भर्ती होगी। तैयारियां करी जाते हैं मुंडे, 3.25 लाख एप्लीकेशन आ चुकी ने, ग्राउंड तैयारी कर रहे हैं फिजिकल टेस्ट की। जे नीयत साफ होवे सब कुछ हो सकता है। अज वाले मिला के 35,848 सरकारी नौकरियां हो गई जी, 1.5 साल होया नहीं अजे। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान राज्य के नौजवानों को रोजगार देने के मिशन को लेकर किस कदर संजीदा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज सितंबर महीने में ही पंजाब सरकार ने राज्य के 1519 योग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियां दी, जिसमें 8 सितंबर को 710 नए पटवारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, फिर 9 सितंबर को 560 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती की गई और फिर सितंबर 12 को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के अलग अलग विभागों के 249 उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे। इस नौकरी नु आज पहली जा इस नौकरी नु आज आखिरी नौकरी ना समझो, पढ़ाई करो, अगले पेपरां दी तैयारी कर लो, तुहाडे चो ही वड्डे वड्डे पुलिस दे विच एसएसपी बन सकदे आ, पुलिस दे विच बहुत वड्डे वड्डे अहुदियां ते जा सकदे आ, नाल नाल पढ़ाई भी करदे रहो। जे मंजिलां पाउणियां ने तां नाल नाल पैरेलल अपनी मंजिल वल वधदे रहो। वहीं मंगलवार को 249 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद सीएम भगवंत सिंह मान ने राज्य की पिछली सरकार और केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि हम लोगों को मुफ्त में रेवड़ियां बांट रहे हैं, लेकिन क्या लोगों को नौकरियां देना और उन्हें सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं देना गलत है? सीएम ने कहा कि वो लोगों को नौकरियां दे रहे हैं ताकि लोग सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके।
इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाब के मुख्यमंत्री जनता को किए अपने हर वादे को निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब सरकार रोजगार की उन तमाम संभावनाओं को खंगाल रही है जिसके बूते पंजाब के नौजवानों को काम मिले और वो नशे जैसी विसंगतियों से दूर हो सके, और आंकड़े खुद भी इसकी गवाही दे रहे हैं। जाहिर है सीएम भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार ने जिस तरह से छोटे से अंतराल में राज्य में 36,000 से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी, उससे जनता को ये मैसेज मिल गया है कि पंजाब की मौजूदा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता पंजाब और पंजाबियों की खुशहाली है। अमित पांडे, न्यूज 24।